الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصندنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وصاحب الليل وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد دنيا نبي کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار ہو مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن یار یہ التجا ہے کر کرم تو کرے وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
काबिले कदर मौजूद हाजरी बरादरान सलाम, आज पहली मरतबा आपके सदारा मदरसा दारुल कुरान उगी के अंदर अपने नहायत ही मुखलिस मबिलोस पैकर अखलास हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अज़ीज़ मजमून की पुरखुदूस दावत का अल्लाह ने हाज़िरी का मौका दिया। अल्लाह करीम मेरा आना आम हजरा का यहाँ आना मिल बैठ सुना दीन की बातें सुनना सुनाना अल्लाह सामने को कबूल फरमा और अल्लाह सामने को कबूल फरमा के हम सब के लिए इसको निजात का जरिया बनाए। इब्तिदा में मेरी आपसे गुजारिश हो रही ये आने जाने वाला सिलसिला एक तो ये खत्म कर रहे हैं, दूसरी गुजारिश ये है कि थोड़ी हलचल कर देते हैं, जगह काफी है, आप बात थोड़ी थोड़ी आगे आगे तशरीफ ले आए, पीछे की जगह बन जाएगी, लोग इस तरफ बैठे हैं वो भी थोड़े थोड़े करीब हो जाए, आप इतना थोड़े थोड़े आ जाए थोड़े थोड़े आगे जो हजरात कोई उज़्र है कमर में दर्द है कोई तकलीफ है तो आप टेक लगा सकते हैं वरना आप दीवार छोड़ दें तो आगे हम कुछ नहीं मिले मोहब्बत से बात सुने दीन की बातें जितना मुख्ताज बन के बंदा सुनता है इतना ही अल्लाह उसको फायदा देता है। थोड़ी देर के लिए बच्चों से आप कह रहे हैं मेरी जबान को शायद गुरु है तो समझ आए तो ये खामोश 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 मेरी गुफ्तगू में बच्चे आपने बातें नहीं बातें बात किसी ने भी नहीं करनी है जैसे बात की उठा के बाहर निकाल देंगे सब खामोश खामोश हो थोड़ी देर में ऊपर से मैं इंशाल्लाह मैं जल्द आपसे इजाजत चाहूंगा। इस इदारे में आकर दिली खुशी हुई इस पसमानदा इलाके में दूर इतने दूर इलाके में अल्लाह की दीन की खिदमत हो रही है इतने बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं कितनी अच्छी तकरीर सजाई मौलाना हुसैन अहमद मदनी दावत बरकात ने और इस इदारे के जिम्मेदार हजरत मौलाना अब्दुल खालिद साहब इसी तरह हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब ये सारे बरादरान के उलमा का घराना दीन के साथ जुड़ा हुआ घराना ये खुशकिस्मती सादत है इंसान अपने हाथ से हासिल नहीं करता ये सादत फजूल इबादत में सादत बख्शत खुदाई बख्शत ये अल्लाह की तरफ से अता इलाही है। और यहाँ आकर एक खुशी ये भी हुई कि गुज़श्ता से व्यवस्था सा मेरे मुर्शिद मेरे मुहसिन आलम-ए-सलाम की एक अजीम आवाज हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तआला अलैह सब के रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ हार रहमतें नाज़िल फरमाए वो भी यहाँ तशरीफ लाए बाज़ नसीहत फरमाई आज उसी नस्बत से बंदा नाचीज आपके सामने हाजिर है वही टूटा फूटा सबक तुमसे पड़ा हुआ सबक बेरब सी बातें आपके गोशे गुजार करनी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पूरी तवज्जो से मेरी बागुजात को समाप्त करेंगे कह दें इंशाल्लाह जो सुनेंगे वो कहें इंशाल्लाह। बच्चों की ड्यूटी अब खत्म हो गई है काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि ड्यूटी आपने सारी को फराम की हुई है सुभान अल्लाह
अब ये डिप्टी आप पे भी आ रही है, अल्लाह ने आपको जुबान दी है माशाल्लाह, कितने खूबसूरत चेहरे दिए हैं, बाशऊर लोग हैं, बड़ा लिखा पढ़ा बैठा है, जो बात अच्छी लग जाए, दिल पे लगे, बात समझ आए, थोड़े से दम हिला दिया करें ताकि खतीब को शरह सदर होती है, बात करने में आसानी हो जाती है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, हुस्न तलब भी सवाल की एक रूह है, हुस्न तलब भी सवाल की एक रूह है। मांगने वाला बात अब आपने देखा होगा, एक भीख मांगने वाला बड़े अजीब तरीके से भीख मांगता है, आवाज लगाते हैं जी मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो, और किसी की नजर उस पर नहीं आती, पांच दस रुपए देकर उसको लोग फारग कर देते, और बात मांगने वाले ऐसे दास में मांगते हैं लोग हजार दे रहे। तो मालूम हुआ कि हुस्ने तलब सवाल की रूह है। आप जितनी तवज्जो से, जितने जज्बे से बैठेंगे, इंशाल्लाह मुझे बात करने में आसानी होगी। स्टेज पे बहुत सारे उलमाए किराम मजलूम तशरीफ फरमा है, गुस्ताखी है कि उलमा बैठे हैं, मुजना चीज को बिठा दिया गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की दुआओं से और इनको अपना सबक सुनाने की गरज से बैठा हूँ। आपको मैं इंशाल्लाह वाज सुनाऊंगा, इन्हें अपना सबक सुनाऊंगा, जहां कभी कुताही होगी तो इंशाल्लाह ये सुनाई फरमाते रहेंगे। इस इलाका के मशहूर आलिम दीन शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। बड़ी खुशी होती है कि जब उलमा हमें सुनते हैं, हम बच्चों को सुनते हैं, हम ना सुनते, हम पे दस्त शफकत रखते हैं, तो ये हमारे लिए एतमाद की बड़ी निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सारे अमल को कबूल फरमाए और मेरे और आपके लिए निजात का जरिया बनाए। असल चीज कबूलियत है, काबिलियत नहीं। क्या कहा मैंने? कबूलियत शर्त है। काबिल अबू जहल से बड़ा काबिल कौन था, लेकिन कबूल न हुआ। कबूल हुआ तो हबशे का पुकारा बिलाल कबूल हुआ, रहता गांव में था, निस्बत किससे थी, गुलाम था, फटे पुराने कपड़ों वाला, स्याह फाम मोटे मोटे होंठों वाला, लेकिन जब निस्बत आमना बिलाल से जुड़ी, जब निस्बत मदीने वाले से जुड़ी, निस्बत अल्लाह के महबूब से जुड़ी, तो फिर अल्लाह ने ऐसी शान दी, चलता मक्का की गलियों में था, कदमों की आवाज अशरफ अल्लाह से आया करती। कुरान की बाजल है, अजमत कुरान के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूं। दुनिया में आप किसी तजारत को हाथ डालें, कोई भी कारोबार करें, उसके अंदर दो पहलू मौजूद होते हैं, और कारोबार करने वाले के जहन में दोनों पहलू होते हैं कि भाई नफा भी होगा, शायद नुकसान भी होगा। और हमारे एक मोहसिन है, मेरे बुजुर्ग है, वो फरमाया करते हैं कि मैं हर चीज में नफा बाद में देखता हूँ, नुकसान पहले सोचता हूँ। ये हिकमत मुझे उनकी समझ नहीं आती, लेकिन हिकमत बड़ी है। वो फरमाते हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें नुकसान को पहले सोचता हूँ कि मुझे पता नहीं आने वाले वक्त इसमें क्या क्या नुकसान होगा, नफा बाद में सोचता हूं कि नफा मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा। लेकिन जो तिजारत कुरान करीम ने बयान की है, उस तिजारत में नफा ही नफा है, नुकसान का शायबा भी नहीं। क्या दोस्तों, आपको मेरी बात समझ आ रही? बोले ना, जिनको समझ आ रही है वो कहते जरा सुभान अल्लाह। अब मुसीबत यह है कि पश्चो मिले नहीं आते, वरना मैं पश्चो में शुरू कर लेता, लेकिन आपको तो उर्दू आती है ना, तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा बोलना है, आप बोलेंगे तो बात बनती रहेगी। कुरान करीम ने ऐसी तजारत का जिक्र किया है कि जिस तजारत में नफा ही नफा है, नुकसान नाम की कोई चीज नहीं है। فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله يا سبحان الله
कुरान सुन के जिनको मजा आया, जिनके सीनों में सुकून आया, उन्होंने अपनी सुभान अल्लाह नहीं रोकी। ठीक है ना साहब? इन्नल लजीन यतलून किताब अल्लाह बिछौना बना देते जिनकी यारी कुरान से जुड़ जाती है। इन्नल लजीन यतलून किताब कुरान तो है ही इंकलाब करने का, कुरान तो है ही ना इंकलाब वाली किताब। ये कुरान वो किताब है जो फारूक के आजम ने अभी तक कुरान नहीं सुना था, जिहादत में पढ़ रहा था। जब उमर ने खत्ताब ने कुरान सुना, कुरान की शेरी उमर के कानों में गूंजी तो अल्लाह ने उमर ने खत्ताब को जमाने का इमाम बना दिया। الذين يتلون كتاب الله جو قرآن سے یاری لگا دیتے ہیں، قرآن سے اپنا دل لگا لیتے ہیں، قرآن کو اپنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہاں ایک بات کا پوچھ لینا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرماتے ہیں قرآن میرے اتارا ہے، یہ کلام میرا، اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ ساری دنیا والے لگ جائیں، ان پہ لٹک جائیں گے، ہم قرآن کو مٹا دیں گے، قرآن والوں کو مٹا دیں گے۔ یہ ان کا باموں گمائے، یہ ان کے باموں گمان کا بت ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن قیامت کی صبح تک رہے گا۔ مدارس والے بھی رہیں گے، طلبا بھی رہیں گے، علماء بھی رہیں گے، قرآن بھی رہے گا، مسجدیں بھی رہیں گی، مدارس بھی رہیں گے۔ کہہ لو انشاءاللہ بڑے آئے بٹانے والے شرط بھی آیا تھا نا، ہاں جی اس نے کہا تھا میں ختم کر دوں گا مدارس کو۔ ہے ہے آج اس کی کیفیت دیکھیں نا، کام پڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس قرآن سے جو یاری لگاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اس قرآن سے اعراض کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری کتاب سے اعراض کرے گا، رگردانی کرے گا، میں اس کو پہلی سزا یہ دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا میں اس کی معیشت کو چھپڑ کے رکھوں گا، میں ان کی معیشت کو ان پر تنگ کر کے رکھ دوں گا، ان کی بوجھی بن کر دوں گا۔ آج معاشرے میں ذرا نظر دوڑائے نا، ہر بندہ پریشان ہے کمانے کے باوجود۔ یہ باتیں دل میں آتی ہیں، میرے گھر میں خرچہ پورا نہیں ہوتا، کھانا بھی پورا ہوتا، نظام نہیں چلتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پسے پہنچا دیا۔ قرآن پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا، پورا سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ رمضان آتا ہے تو پھر ہم کچھ بارے تلاوت کر لیتے ہیں۔ قرآن دیکھیں، حق تو نہیں کہ ہم اس کو اچھی الماری میں اچھا غلاف اس کے اوپر لگا لیں، ہم اوپر محفوظ کر لیں، الماریوں میں سجا لیں۔ یہ قرآن اس کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آئے۔ اور آج معیشت جو تنگ ہے، جو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، امت پریشان ہے، اس کی مین وجہ علماء بیٹھے ہیں، آپ پھر جانے کے بعد اس سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے رگردانی کر دی ہے، قرآن کو پسے کچھ ڈال دیا، قرآن سے بہت دور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے یہاں ایک سوال کر رہا ہوں، مجلے میں کون سے ایسے احباب ہیں، علماء نے مجلے میں کون سے ایسے احباب ہیں جنہوں نے آج صبح ایک بار قرآن کریم کی تلاوت کی؟ ہاتھ کھڑے گا، ایک دو تین، صرف تین بندے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اب باقیوں نے کیوں نہیں کی؟ کیا
क्या हमारे घर में कुरान नहीं है, हमारे मोहल्ले में मस्जिद नहीं है, अजान नहीं होती, फजर की नमाज नहीं होती। यही तो मईशत तब होने की वजह है, यही तो आज हालात खराब होने की वजह है। हम कुरान से बहुत दूर हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ताहदी से बिन नेमत के तौर पे कहता हूं नमाज बैठे हैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह बिना नमाज 3 बार कुरान करीम की मैं तिलावत करता हूं। हमने कुरान को बस सिर्फ कब्र पे ले जाने के लिए रख दिया है, जनाजे के बाद घुमाने के लिए रख दिया है, कस्मों के लिए अदालतों में रख दिया है। कोई बात होती है तो कुरान उठा के ले आते, पढ़ना नसीब नहीं होता। जो मेरे कुरान से विराज करता है पहली सजा उसकी है, मैं उसकी दुनिया में मईशत को तंग करूंगा, रोजी को बंद कर दूंगा, और दूसरी सजा कयामत वाले दिन वनशुरू यौमल कयामत आमा। जो मेरे कुरान से रूह की तारी करके उसे पुस्तार कर मेरे पास मशर में पहुंचेगा, मैं कयामत के दिन उसको अंधों की सफ में खड़ा करूंगा। दो सजाएं कुरान छोड़ने की वजह से पड़ी। तो आओ आज हम तहजीब याद कर रहे हैं, आइंदा इंशाल्लाह हम रोजाना एक पारा जरूर कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। आज करते हैं इंशाल्लाह, अगर एक पारे का बंद नहीं मिलता कम से कम सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन का जरूर पढ़ा करें, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके घर पे बरकतें देंगे, रोजी की बरामदी देंगे, घर के अंदर नाचाती खत्म होती देंगे। आज ये सास बहू का झगड़ा है, अभी सास ससुर की लड़ाई है, फला है, अभी बेटा बाप से झगड़ रहा है, बाप बेटे से झगड़ रहा है, ये सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप कुरान तो पढ़ के देखिए अल्लाह हू अकबर। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं الذين يتلون كتاب الله कुरान ऐसी किताब है, ये तो इंकलाब वाली किताब है, ये तो बड़ी मोहब्बत वाली किताब है। अल्लाह हू अकबर। हजरत अली शेरी खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं और दुनिया वालों मेरा जब ये चीज आता है मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ देता हूं, मन आदरी कल्लम अल्लाह फली सल्ले। हजरत अली फरमाते हैं जब मेरा हजरत अली का तذکرہ तो हम बड़े जोर से करते हैं लेकिन अली की बात नहीं मानते हैं। अली की हदीस की सुनो, अली की रिवायत की सुनो, मन नराद अन कल्लम अल्लाह फली सल्ले। हजरत अली शेख पूरा फरमाते हैं जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज शुरू कर देता हूं, क्या शुरू कर देता हूं नमाज। और आगे क्या फरमाया, मन अराद अन कल्लम अल्लाह फलयक्रई कुरान। और जब मेरा ये जी चाहता है अल्लाह मुझसे बातें करे अल्लाह मुझसे कलाम हो जाए तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। लेकिन तो जरा शायद बच्चे बूढ़े जवान बैठे कुरान की मोहब्बत में एक मरतबा कहे सुभान अल्लाह। कुरान इतनी इंकलाब वाली किताब है, इतनी मोहब्बतों वाली किताब है, इतनी आसमतों वाली किताब है। वादी नखला के अंदर सुबह फजर की नमाज में अल्लाह के महबूब कुरान पढ़ रहे हैं, जिन्ना की जमात का वहां से मंजर होता है। बड़े सरत नारी नहीं कर तो रखूंगी नल जिन्नी असलमून कुरान वैसरफना इलैक नफर जिनों का सरदार जाके देखने लगा, देखता क्या है कि अल्लाह के महबूब कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह के महबूब कुरान पढ़ रहे हैं। वापस आया अपने दोस्तों को कहने लगा, पढ़ने वाला भी बहुत खूबसूरत है और जो कलाम भी पढ़ जा रहा है वो भी बहुत खूबसूरत
कलाम भी खूबसूरत और पढ़ने वाला भी खूबसूरत। जब कुरान सुनने के बाद वापस आया और अपने दोस्तों को कहने लगा जिन्हों को ये मसला समझ आ गया कि इमाम कुरान पढ़े मुफ्ती को पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन आज के पाकिस्तान के मुसलमान को मरीज के रहने वाले को उसका बड़ा फलसफा निकाल दिया इमाम भी पढ़े और मुफ्ती भी पढ़े। इससे मालूम हुआ कि वादी हल्ला के जिन से बेहतर इनसे अच्छा परम्मा हजम कादु अनसितु कहने लगा चुप रहो खामोश रहो। कितनी खूबसूरत कलाम की आवाज आ रही है और सुना की जमात जब अल्लाह के कलाम सुना महबूब दो आलम की जबान से अल्लाह का खूबसूरत कलाम सुनने के बाद वो चिमों की सारी जमात अल्लाह के महबूब पे कलमा पढ़कर ईमान ले आते हैं और वापस आकर वो अपनी जमात से कहते हैं क्या कहते हैं ना समीना कुरान ना जवा। आज मैं इतना खूबसूरत कलाम सुन के आया हूँ, इतना अजीब कलाम सुन के आया हूँ और आगे क्या कहता है जिसने सुनने के बाद उसका तकाजा ये है कि वलन मुशरिक भी रब्बी ना अहदा। किसी को शरीक नहीं करना ये कुरान का सबसे बड़ा तकाजा है। जिन्हों को दो मसले समझ आ गए इमाम पढ़े मुक्तदी ने नहीं पढ़ना, जिन्हों को ये भी समझ आ गया कि कुरान पढ़ने के बाद इंसान मुशरिक नहीं रहता मुवहिद बन जाता है, लेकिन आज के मुसलमान को ये दो मसले समझ रहा है। तो मैं कहा करता हूँ आज के हम मुसलमानों से बहुत वादी ये मसला के चल रहे हैं। अल्लाह मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत क्रॉस कर रहा हूँ बात को, मौसम की खराबी भी देख रहा हूँ और आप लोगों की थकावट भी मुझे एहसास है माशाल्लाह। सुबह से शरीफ फरमा है हाँ जी, थके माने से आपने बयान भी कर रहे हैं सत्तर इस महीने में आप चल रहे हैं जी, आपसे ज्यादा आप चले थके हैं ना माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कुरान सुन्नतों वाली किताब ये वो किताब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी क्या फरमाते हैं, फरमाया अताना रसूलुल्लाह यतलू किताबन, अताना रसूलुल्लाह यतलू किताबन इदन शक्कारुहुम मिनल फज्र सातिम अरामल हुदा बादलमा फकुलूबुना शायर कहते हैं रसूलुल्लाह सुबह के वक्त कुरान में पढ़ते हुए आए, हाँ जी कुरान पढ़ते हुए आए रसूलुल्लाह ने किसी और कहानी यानी सुनाई इस कौम को कुरान सुनाया, हाँ जी हम तो किस्से कहानियों में गुजारा करते हैं ना। रसूलुल्लाह ने अपनी कौम को किस्से कहानियों की तरफ नहीं मुतवज्जे किया, अल्लाह का कुरान सुनाया। क्या सुनाया, अताना रसूलुल्लाह यतलू किताबहु इदन शक्कारुहुम मिनल फज्र सातिम अरामल हुदा बादलमा फकुलूबुना बिही मुमकिनातुन अन्नमा कालम तो बात कर रहा था
करने वाला भी खूबसूरत जो कलाम पढ़ा जा रहा है वो भी बोले ना। आप जरा बोलेंगे तो मैं सोच में आऊंगा, वरना मुझे फिक्र खूबसूरत कलाम भी खूबसूरत है। अल्लाह का महबूब इतना खूबसूरत, अल्लाह का महबूब इतने शान वाला, ऊपर निकाल आसमान की तरफ उठाए तो अल्लाह कुरान बना दे, महबूब जमीन की तरफ निकाल दे तो अल्लाह हदीस बना दे। अल्लाह का महबूब इतनी शान वाला, मुझे पता है मौलाना हुसैन अहमद साहब के जब तैयार है मुझे बता रहे कि आपने बहुत कुछ सुनाना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको रसूलुल्लाह की शान भी सुनाऊँ, उसके बाद कुरान भी सुनाऊँ। कहते हैं सुभानअल्लाह, निगाह आसमान की तरफ उठाए तो अल्लाह की तरफ तब्दील कर दे। हाँ जी, ये वो निगाह जब आसमान की तरफ उठी, अल्लाह फरमाते हैं तकल्लुब वजहक फी समा फलनुबल्लिअन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा फबल्लिग आसमान की तरफ उठ रही है, तू ये चाहता है बैतुल मक़द्दस क़िबला जाए, बैतुल क़िबला बन जाए। महबूब मैं ये ऐलान कर रहा हूँ तेरी चाहत पर, तेरे चेहरे की लाज रखते हुए मैंने बैतुल मक़द्दस को तब्दील करके बैतुल को तेरी उम्मत के लिए क़िबला बना दिया। ये वो निगाह है, ये कोई मामूली निगाह नहीं, ये वो निगाह है जो हजरत फुसाला पे पड़ती है। हजरत फुसाला बंदर के इरादे से रसूलुल्लाह के पीछे चल रहे हैं, रसूलुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, हजरत फुसाला हाथ में तलवार है और रसूलुल्लाह के पीछे चल रहा है कि मौका पाकर मैं रसूलुल्लाह का काम तमाम करूंगा। या तो बेटा अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने नजरिया है भाई अपने महबूब को इत्तला किया कि हे महबूब तेरे पीछे फुलाना चल रहा है, तेरे कतल के इरादे से चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं निगाह पीछे मोड़ी, चेहरा पीछे किया, खुदाला के सिरे पे हाथ रखा, हाथ रखा था खुदाला कांपते कांपते खुदाला के हाथ से तलवार गिर गई, तलवार गिर गई और रसूलुल्लाह ने फरमाया खुदाला तेरे सीने में जो कुछ कर दे बाहर निकाल दे, तेरे सीने में जो कर दे बाहर निकाल दे। हजरत फुजाला फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने हाथ रखा, हाथ रखने के साथ मेरे सीने में एक ठंडक पैदा हुई, उस ठंडक ने मेरे अंदर इंकिलाब पैदा किया। जब रसूलुल्लाह ने यूं हाथ पीछे किया, रसूलुल्लाह ने यूं हाथ पीछे किया, जो महसूस हुआ कि मेरे अंदर की सारी घास ने रसूलुल्लाह ने निकाल कर मेरे फेंक दी और मेरे अंदर ऐसा इंकिलाब आया, मैं रसूलुल्लाह की तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा या रसूलुल्लाह आया तो कतल के इरादे से था, अब तो कतल हो चुका हूँ, कलमा पढ़ा कर मुझे भी अपने हल्के इस्लाम में ले आए। अल्लाह ने अपने महबूब को कोई मामूली निगाह नहीं दी थी, ये तो बड़ी खूबसूरत निगाह थी, खूबसूरत निगाह थी। अल्लाहु अकबर, तो मैं अर्ज ये कर रहा था ईमान वाले वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान से ताल्लुक जोड़ते हैं और नमाज कायम करते हैं। क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं। अल्लाहु अकबर, आज नमाज से भी ये माशरा टूटा है, 90% मोहताज अदारे के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ, 90% लोग बेनमाज ही पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, कुरान नमाज ये लाजम मंसूब है, इन्हें लाजम मतलब समझा जाता है। अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के शब्द आसमानों में बात आ गई, रजब का महीना है, मेराज चल रहा है, उस पर भी कुछ बातें से बात कर लें। रसूलुल्लाह आसमानों में जा रहे, मस्जिद-ए-हराम से मस्जिद अक्सा और अक्सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, चौथा, छठा, सातवां अल्लाह से मुलाकात होती है।
अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे नाते में उम्र तू मुलाकात के लिए आया है, तोहफा क्या ले गया है। अंदर किसी के पास मुलाकात के लिए जाते ना तो तोहफे का है कि पैसे मोहब्बतें बढ़ती है। आज के लिए माशरे में ये रवाज भी खत्म हो गया। अब कहते हैं जी इसमें कुछ नहीं किया, क्या तोहफे का है दिया गया उससे मोहब्बत बढ़ते हैं। तहाँ तहाँ हदीस के अल्फाज हैं अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह जी मेरे पास और कुछ नहीं है, तेरी शान के मुताबिक कुछ नहीं है, मैं तो अपनी बातें ले गया हूँ। तैयातुल्लाह वस्सलावातुल्लाह वत्तैयातुल्लाह रब्बा मेरी कोई इबादत, रब्बा मेरी बड़ी इबादत, रब्बा मेरी सारी बातें तेरे लिए, इसके लिए ये मैं लेकर आया। और आगे क्या फरमाया, अत्तहियातुल्लाह वस्सलावातुल्लाह वत्तैयातुल्लाह। तो जवाब में अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ओ मेरे नाते पैगंबर तुझ पर सलामती हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये तो मुझ पर आपने सलाम कर दिया, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। ये जो बात करने के लिए मैं इस तरफ आपको लाया हूं, ये बात सुनाने के लिए आया हूं। मतलब मौजूद है नहीं कि लोग बहुत सारे मौते मिलने के बाद इख्तियार मिलने के बाद बाज बाबा बड़े ऊंचे मरतबे पे जाने के बाद अपने पीछे वालों को भूल जाता है। इलेक्शन आता है ना, हम वोट मांगने के लिए यार गरीब के दरवाजे पे फंस करते हैं। जब जीत जाते हैं तो फिर हम बेहतर ही, हाँ जी, फिर साहब का नंबर मिलाओ, खान साहब का नंबर मिलाओ, हाँ जी खान साहब तो आज बेडरूम में है या बादशाह में है, फिर मुलाकात भी नसीब है, फिर लोग फायदे लेकर चक्कर काटते रहते हैं। और जब इलेक्शन का दिन होता है तो हम बांटते बांटते आते हैं, आइए जी सलाम अलैकुम दादा जी नाम के वालिद साहब फोन हुए थे, दुआ फरमा दो वालिद से, मेरे वालिद साहब दुआ से 5 साल पहले फोन हुए तो मैं भी ख्याल है। इखलास के दौरे पड़े हैं, इखलास के दौरे पड़े होते हैं। हाय हाय, ये आमना कलाल है, ये कौन है आमना कलाल, अल्लाह के लाडले पैगंबर है, जो उस मकाम पर सारी कायनात के अफसर के पास, सारी कायनात के बादशाह के पास, सारी कायनात के खुदा के पास, सारी कायनात के हाजत रवा के पास, सारी कायनात के मुश्किल कुशा के पास, सारी कायनात के अकबुल हाल की नींद रब के पास पहुंच कर भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। और ये उम्मत भूल जाती है, ये उम्मत है हम हर काम में रसूलुल्लाह को भूल जाते हैं। हमारी खुशी आती है हम रसूलुल्लाह के तरीके भूल जाते हैं, गम आता है रसूलुल्लाह के तरीके हम चूक जाते हैं। और कोई घर में कोई मामला हो, कोई बात हो, हमें कहीं भी रसूलुल्लाह याद नहीं रहते, रसूलुल्लाह ने हमें हर वक्त याद रखा। उम्मत का सबसे बड़ा मोहसिन कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर। जवाब में फरमाया ओ अल्लाह जी तेरे ये तो मेरे लिए सब कुछ हो गया, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। सलाम तुझ पर भी और तेरे उम्मत के नए बंदों पर भी। अब तोहफे में अल्लाह के महबूब को क्या मिला, बात ये कर रहा है अल्लाह के महबूब को तोहफे के अंदर 50 नमाजें मिली। कितनी नमाजें मिली बोले साहब, कितनी मिली, ऊंचा बोले कितनी मिली, 50 नमाजें। वापस आए मूसा ने कहा ए अल्लाह के लाडले में अकबर तेरी उम्मत नहीं बढ़ सकती, वापस जाकर जिम्मत करवा के अल्लाह के महबूब वापस चले गए। कब होगी 12 ये सिलसिला चलता रहा, चलते चलते कितनी रह गई नमाजें, 5। अल्लाह ने फरमाया मेरे लाडले में अकबर तेरी तरफ से तब्दीली हुई है, मेरी तरफ से कोई तब्दीली नहीं है, उम्मत तेरी 5 पढ़ती रहेगी, मैं सवाब 50 नमाजों का देता रहूंगा। तब्दीली तेरी तरफ से कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह उलमा फरमाते हैं भुट्टो की तारीख भुट्टो साहब कहने लगे मुफ्ती साहब ये नमाजी आपने सुना था 50 पढ़ रही है, ये 5 क्यों रह गई।
आगे चलो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तो साहब आप एक नहीं पढ़ते हैं पचास के साथ क्या करते हैं आपको क्या उन्होंने कहा मुझे इस बात की फिक्र नहीं है मैं एक पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता अगर ये नमाजें पचास की हम आज रहेंगी अगर ये पचास होगी तो हमें बड़ा फायदा होगा मुफ्ती साहब फरमाने लगे तो किस तरह फायदा होगा भुट्टो साहब कहने लगे पचास होगी आप सारा दिन नमाजों में लगे रहते हम आराम से अभी पांच की मुसीबत यह है कि आप फजर पढ़ते हैं जोर तक हमारे खिलाफ सुनते हैं फिर जोर पढ़ते हैं असर तक हमारे खिलाफ सुनते हैं असर पढ़ते हैं मगरब तक हमारे खिलाफ सुनते हैं ये पचास होती आप पचास नमाजें पढ़ रहे थे और हम आप वजह से आराम से अल्लाह अकबर बड़े लोगों की बड़ी बात है अल्लाह अकबर तुम्हें अर्ज करना था मेराज रसूलुल्लाह मेराज पे जा रहे और ये मेराज का भी बड़ा रोस्ता वाकया है कहते हैं रसूलुल्लाह गए वापस आए कुंडा हिल रहा था बिस्तर गर्म था पानी बह रहा था अब तो समझ में नहीं आता समझ नहीं आती कुर्बान जा उस मसले को हल किया भी है शरीयत सही लता अल्लाह शाह बुखारी इनका काबिर का नाम आता है रूह खुश हो जाती है आप भी कहते हो सुभान अल्लाह बुखारी फरमाया करते थे दुनिया वालों जब तुम्हारा सदर तुम्हारा वजीर आजम अपने वजीर आजम हाउस से निकलता है तो प्रोटोकॉल की गाड़ियां मिल जाती है तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं ये सड़क भी बंद वो सड़क भी बंद इस्लामाबाद जाऊंगा ये नजारा होता है हम जब आते हैं नजारा करते हैं ये सड़क बंद वो सड़क बंद ये सड़क बंद वो सड़क बंद जी कौन सा हमारे हैं प्रोटोकॉल वाले वजीर आजम साहब आ रहे हैं दलक हमा तार तार शुभ बढ़िया पूजा पूजा बाबा जानते हैं दिल चूर हो गया है और किस किस जगह की मां पट्टी की जाए किस किस दर्द को बयान किया जाए अल्लाह हजरत ये फरमाते हैं निकलता है तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं सारी सड़कें बंद हो जाती है चाल हो जाती है बलात हो जाती है इसी तरह जब अल्लाह ने अपने बाबू मोहम्मद रसूल अल्लाह को आसमानों की सैर करवाई थी अल्लाह ने अपने राज्य में हम पर को जब अपने घर से उठाया मस्जिद आराम से मस्जिद शादत तो अल्लाह ने उस वक्त सारी कायनात का निजाम जाम कर दिया अल्लाह ने सारी कायनात का निजाम जाम कर दिया जो कुंडा हिल रहा था वहीं पे रुक गया जो पानी बह रहा था वहीं पे रुक गया जो बिस्तर गर्म था वहीं रुक गया रसूलुल्लाह साहब आसमानों की सैर करके मेराज का सारा सफर तय करने के बाद वापस आए तो कुंडा भी हिलने लगा पानी बहने लगा बिस्तर भी गर्म आंसू आंसू तो ये अकल नहीं मानती बात मेराज ये ऐसा मोजज़ा है जिसको अकल नहीं मानती लेकिन यार जुमला के अंदर उलमा बैठे हैं जितने बजने में बैठे हैं इंशाल्लाह मुझे ताई ताई होगी मुझे दाद देगी इंशाल्लाह मैं कहा करता हूँ मेराज मुस्तफा को समझने के लिए अबू जहल का अकल नहीं चाहिए इश्क सिद्दीक अकबर चाहिए मेराज मुस्तफा को समझने के लिए अबू जहल का अकल काम नहीं करता जब अबू जहल के सामने सारी बातें की अबू जहल ने इनकार कर दिया लेकिन सिद्दीक अकबर तक जब बात पहुंची तो सिद्दीक ने कहा अगर मेरा यार ये मोहम्मद ये बातें करता है तो ठीक करता मैं मानता हूँ समझता अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह आसमानों की सैर कर रहे ये मौला के लाडले पैगंबर है जो आसमानों पे जा रहे हैं एक मकाम से आता है अल्लाह से मुलाकात होती है परेशान हो जाते हैं कि मेरा भाई कभी कब दीदार में कर सका मैं कैसे अल्लाह का दीदार करूंगा हाँ जी मैं कैसे अल्लाह का दीदार करूंगा और एक और बात भी आपको सुना दूं सिदरा के मकाम पर इसी में राज के वाक्य में जिब्रील अमीन पीछे हट जाता है فقال
عالم قامی ہاہونا مانو تقدم رسول اللہ برکب کرتہا حبالینا فاللہ سمرئی شیخ سادی اکسر جرد دے پڑو گفت سالان دے دنیا کہ اے حاملے بحی بندر چدر تو سیدت مخلص امیا فتی انا رمز صحبت چراتا فتی اگر اکسر موے بردر پرم فراوے تجلا پسوزد پرم اب مسئلہ یہ کہ فتی فارسی کا بیٹا نہیں تھا نہ ہم لوگ مروی آتی ہے ہم لوگ فارسی آتی ہے خیر میں چاہتا ترجمہ کرتا ہوں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ بھی سیکھا کریں علماء کے پاس بیٹھا کریں یہ بھی سیکھا کریں فارسی سیکھا کریں رسول اللہ نے فرمایا ان کو لانا بھی میرا ایمان عربوں سے محبت ان کی زبان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے کس کی علامت ہے ایمان کی علامت ہے اللہ اکبر انگلش سیکھنے میں باقی زبانیں سیکھنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کوئی ہم اس پہ ممانعت نہیں کرتے ہم لوگ سکول چلائے ہوئے باقاعدہ سیکھے یہ زبانیں آپ کو فائدہ دیں گی کام دیں گی لیکن میرے استاد مولانا ایک جملہ کہا کرتے ہیں اپنی مرشد حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں انگریزی ضرور سیکھو پر انگریز نہ بنو انگریزی ضرور سیکھو پر انگریز نہ بنو مدینے والے کی تہذیب کو اپناؤ یہودیوں کی تہذیب کو وہاں ردی کی ٹوکری رکھتے ہیں آج کا مسلمان ان کے نام میں رہنا جا رہا ہے فرمایا کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر یہ ترقی ہے فرنگی کی مسلمان کی نہیں دوا ترقی کی میں نے دیکھی بسد ادب ہے یہی گزارش مرض ترقی کرے گا اس سے مریض اچھا نہ ہو سکے گا ہم دوائی غلط استعمال کر رہے ہیں ہم ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں نہیں ہم نے مدینے والے کی تہذیب کو اپنانا ہے ہم نے قرآن سے اپنی یاری لگانی ہے ہم نے قرآن سیکھنا ہے خود بھی سیکھنا ہے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سدرہ کے مقام پر جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا رسول اللہ فرمانے کہ جبریل سارا سفر کیا یا مجھے پیچھے کیوں چھوڑ رہا ہے تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بال کے برابر دیا گیا جاتا ہوں میرے سارے دلانی پر چل جائیں گے میرے سارے دلانی پر چل جائیں گے تو قربان جب انہیں شریعت سید نام لگا بخاری نے بڑی خون بات کی حضرت شادی فرماتے ہو جبریل کاش محبوب تم روبر ہوتے وہ رسول اللہ کی معیت میں چل بھی جاتے لیکن رسول اللہ کا نام پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے وہ پھر بھی رسول اللہ کا نام نہ چھوڑتے اللہ اکبر تو میں عرض یہ کروا تھا ان الذين يتلون كتاب الله قرآن کے قریب آؤ گے نا دعوت فکر دے رہا ہوں تو میں دوسرا سنا رہا تھا بات یاد آ گئی مجھے کہ ایک موسیٰ کے اللہ یہ بھی اللہ کے لاتے پیغمبر ایک آمنا کلا لے یہ بھی لاتے پیغمبر تم اللہ کے کیا ہے لاتے پیغمبر لیکن حبیب اللہ کلیم اللہ میں فرق یہ کہ جب کلیم اللہ کی باری آتی ہے کلام لینے کے لیے کوئی دور میں لاتے ہیں لیکن جب حبیب اللہ کی باری آتی ہے کلام جا ہمرا کلام وہاں وہاں میرے رب کا قرآن جا جا ہمرا کلام وہاں وہاں میرے رب کا قرآن دیا تھا ہمرا کلام تائف کی گلیوں میں قرآن بھی تائف کی گلیوں میں ہمرا کلام مدینہ کے بازاروں میں قرآن بھی مدینہ کے بازاروں میں اللہ اکبر جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ جاتے ہیں وہ مقام سامنے آ جاتے ہیں نہ اللہ سے ملاقات ہوگی بات یہاں میں چھوڑی تھی بات یہاں رکھ لیا اب دل میں خیال آیا میرا بھائی کہیں کو دیدار کر نہ سکا میں کیسے دیدار کروں گا خیال آنا تھا کہ اللہ نے اس پردے سے ایک آواز آئی کتنی اچھی آواز کسی نے آ
शाम के सो के उसका तर्जुमा किया, फरमाया रुके शाह तो पर्दे से आवाज आई, रुके शाह तो पर्दे से आवाज आई, तू पर्दे में आ तुझसे पर्दा नहीं है। आपको बात समझ आई है? अगला मिसरा खत्म है नबूवत वालों, जिन कई बार मेरे आका की खत्म में नबूवत पे होगा वो तायात जरूर बुलंद करके सुभान अल्लाह के सुनिएगा। रुके शाह तो पर्दे से आवाज आई, तू पर्दे में आ तुझसे पर्दा नहीं है। कहा उसको आगोश रहमत में लेकर, कहा उसको आगोश रहमत में लेकर, जो तेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। तो बात ये कर रहा था कि अल्लाह के महबूब कुरान भी आला मोहम्मद जवान भी बोले ना ऊंचा बोले, कुरान भी आला मोहम्मद जवान भी आला। और जाते जाते मेरा पैगाम सुनो, मुसलमानों कुरान दे दे ले आओ, एक कुरान का सदका आया बहारा। समझ आई आपको बात? जिनको अल्लाह का कलाम अच्छा लगता है, मेरे नबी का फरमान अच्छा लगता है, वो जब ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। आपको ये पैगाम दे जा रहा हूँ, मुसलमानों कुरान दे दे मेरे आओ, एक कुरान मेरा सदका या बहारा। आइए जो बहारें आपको नजर आ रही है, मेरे बच्चों ने कुरान पढ़ा है, उलमा नजर आ रहे हैं, उनके सरों पे पगड़ियां नजर आ रही हैं, खूबसूरत तारियां नजर आ रही हैं, ये कुरान की बरकत से नजर आ रही हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, मुसलमानों कुरान दे दे आओ, कुरान दा सदका आया बहारा। कलाम खुदा जीना सीने लाया, कलाम खुदा जीना सीने लाया, नबी नाल रब ने लबाया मजारा। सिद्दीक उमर ने कुरान सीने से लगाया, आज भी नबी के पहलू में मौजूद है। मुसलमानों कुरान दे दे मेरे आओ, ए कुरान का सदका आया बहारा। कलामे खुदा जीना सीने लाया, नबी नाल रब ने लवाया मजारा। तो मालूम हुआ खुलासा क्या निकला, हमने कुरान से भी यही लगानी है और नमाज से भी यही लगानी है। लगाएंगे ना छाता, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे ना छाता, रोजाना घर में कुरान कहीं की तिलावत होगी ना छाता, रोजाना बिला बिला नहा एक पारा सूरह यासीन की जरूर तिलावत किया करें। और आखिर में उसामा बिलाल का मोहब्बत वाला पैगाम जो सफा मरवा पे चढ़कर आमना के लाल ने मोहब्बत वाला फार्मूला दिया कि ये सारे अकीदे बकवास है, बोगस है, एक ही अकीदा है, एक ही नजरिया है, एक ही वतन का फार्मूला है जो मुझे और आपको जोड़ता है। और वो आमना के लाल का मोहब्बत वाला क्या पैगाम था, पैगाम सुना के बात खत्म करता हूँ, आप मोहब्बत से मेरे साथ शामिल हो जाए। अल्लाह का जिक्र बुलंद करें, अल्लाह के शुक्र अल्लाह को शोभ ही नहीं। मौलाना शुक्री थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल के करीब नूर के साथ लिखा हुआ है अल्लाह। क्या लिखा है? सारे बोले अल्लाह का नाम, जिनके सीने में अल्लाह की मोहब्बत है सारे बोले उसी आवाज से अल्लाह का नाम ले।
तो इस दिल को चलाओ। आज इदादुल्लाह महादेव की हमारे करते थे ना, कहते पहले मोहब्बत है, मोहब्बत को करेगा तू लाज से बचा, किसी को इस दिल ने कहीं को भूलना है, इस दिल को अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दो, कोई जबान खाली रहे आखिर में मेरे साथ अल्लाह के नाम की तरफ मुंह पैदा कर दे। मोहब्बत से जरा दिल पे जरब लगाए, ला इलाहा मानो दौलत दुनिया ये रिश्ता
ये माल ये दौलत ये कुंबा ये बरादरी ये टबरदारी कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आने वाली चीज क्या है? ये माल ताने बकवा चल गया तो ठीक, नहीं तो हम भी चलते रहेंगे जीता है, कोई मसला नहीं। ईमान की बिजली होनी चाहिए, हुकूमत वाली हो ना हो, ईमान की बिजली कमजोर ना हो, ईमान की बिजली जिंदा होनी चाहिए। जिनके सीनों में ईमान की बिजली जाग रही है वो जरा ऊंचा कहे सुभान अल्लाह। कम अज कम आपकी उगी में वापडा वालों को पता लगे कि अल्लाह की ये मेहमान जितने भी हैं ये मवाहिद हैं, ये हमारी बिजलियों पे सहारा नहीं करते, अल्लाह पे सहारा करते हैं। ऊंचा कह दे सारे सुभान अल्लाह। कुर्बान में ज़ुल्फ़ातों मखमूर दी अखियां तो दंद चंबे दिया कलियां ने होंठ शफक दी बेलाली चंबे दिया कलिया ने होंठ शफक दी बेलाली सारी दुनिया एक पासे मेरा सोना एक पासे लाओ तराजू तोल के देखो साडा पड़ला बारी हाजी तराजू रखो मेरा कीदा मेरे अकादर का कीदा तराजू के एक पल्ले में सारी कायनात को रखो सातों जमीनों को रखो सातों आसमान को रखो चांद सितारे सारी कायनात का निजाम एक पल्ले में रख दो दूसरे पल्ले में अपना किरदार को रख दो कह दो सुभान अल्लाह। बिजली आ गई है इसलिए भी कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तराजू के एक पल्ले में सारी कायनात को रख दो तराजू के दूसरे पल्ले में आमना के लाल को रख दो मेरा कीड़ा मेरे काबिल का कीड़ा के आमना के लाल वाला पड़ला बारी हो जाएगा सारी दुनिया एक पासे मेरा सोना
आखत किया था सारी दुनिया दबाली फरमाते कभी आमले के लाल को देखता हूँ, कभी चौधरी के चांद को देखता हूँ। बार बार देखने के बाद, एक बार नहीं तकरार के साथ देखने के बाद, हजरत जाबर फरमाती मेरे दिल ने यह फैसला किया कि चांद का हुस्न भी मोहम्मद के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत जाबर एक मौके पर क्या फरमाते, लाए बनी समान अल्लाह शबी हलू, लाए बभी समान अल्लाह शमी हलू, बिल हुस्न बल खुल्क बल अल्ताफ बशियमी, केरी से कर सकता आसमान द चन लोगो, सोनी सूरत सोने दी रसूलुल्लाह की सीरत भी सोनी, सूरत भी बोलो ना सारे, रसूलुल्लाह की सीरत भी सोनी, सूरत भी सोनी। जिनको मेरे आका का चेहरा अच्छा लगता है, सूरत अच्छी लगती है, वो दोनों हाथ खड़े हैं, दोनों हाथ। अब ये दोनों हाथ चेहरों पर फेर दें, जिनके हाथों में कुछ आ जाए वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिनके नहीं आया तो उनको थोड़ी फिक्र करनी चाहिए। रसूलुल्लाह अच्छे लगते थे दाढ़ी के साथ या बगैर दाढ़ी के, आपसे पूछता हूँ। रसूलुल्लाह खूबसूरत थे इस दाढ़ी के साथ, इस दाढ़ी के बगैर, दाढ़ी के साथ, क्योंकि हमें ये रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए ना, अपनानी चाहिए। इतना खूबसूरत चेहरा चारे इस्लाम से बनी गिला नहीं, कितना खूब कह गए उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। मैं आज मौलाना हुसैन अहमद साहब का कुछ इतना इखलास है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं क्या क्या सुना रहा हूँ। बारह दिन का इखलास है, अल्लाह इनके इखलास को ये सलामत रखे। उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं, उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सीरत भी हसी सूरत भी हसी। बोलो रसूलुल्लाह की सीरत भी आला, आला का लफ्ज़ आपने मेरे साथ बोलना है, रसूलुल्लाह की सीरत भी सूरत भी, रसूलुल्लाह का मदीना भी, रसूलुल्लाह का नगीना भी, रसूलुल्लाह की प्यारी अलवाले मुताहरात भी, रसूलुल्लाह की आले बैत भी, रसूलुल्लाह की प्यारी जमात साहबा भी, बल्कि जुबान के कहूँ रसूलुल्लाह की ये प्यारी उम्मत भी। उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं, उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सीरत भी हसी सूरत भी हसी, और उसके मकाम और मर्तबा का इस बात से अंदाजा कर दो, आगाज है उसकी मंजिल का, रुक जाए जहां जिब्रील अमीन। और जुमला कहता हूँ मौला हुसैन साहब के, जहां से दूरियों के सरदार, जहां से दूरियों के सरदार, पांच पानी 600 बाजू वाला पुरानी, छह सौ बाजू वाला पुरानी, चार से मूरियों के सरदार जिब्रील अमीन के सफर की इंतहा होती है, वहां से खाकियों के सरदार मोहम्मद बशर के सफर की इब्तिदा होती है। तो मैं
पास वाला था कि मेरी से कर सकता आसमान दचन लोग सोनी सूरत सोने दी दुनिया मत वाली है मेरा सोना जब हंसे उदुखिड़ दिया कलिया ने ओ बोलत जो निकले ओ बोलत जो निकले लड़ी मोतिया वाली मोतियों की लड़ी क्या थी वो कौन सा पैगाम था यही तो था ना ला इलाहा आखिर में कोई जबान खाली रह है दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम बुलंद करे ला इलाहा जो नमाज का इंतजाम करेगा और अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा पोशीदा दिए लानिया भी मदद से बनाएगा गरीब तलबा के साथ तआमुल करेगा उलमा का पालू बनेगा मसाजिद को आबाद करेगा मस्जिद मदारस बनाएगा वन फकू मिम्मा रज़क़ना सिर्रम वालानिया आगे कुरान कहता है यरजूना तिजारतन लन तबूर ये ऐसी तजारत है उसमें उसको कोई नुकसान नहीं नफ़ा पाए कोई ऐसी बात करती हो जो जिसके लिए मैं इस्लाह का हकदार हूँ जरूर मेरी इस्लाह फरमाए अल्लाह मेरा कहना आप हजरात का यहाँ आना मिल बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए अल्लाह इस इदारे को दिन दूरी रात की दूरी तरक्या नसीब फरमाए और अल्लाह इस इदारे को हमारी तवक्कुआत से ज्यादा कामयाबी नसीब फरमाए बता दें हम वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता वाकिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।